साथ संजय चड्ढा सर भी हैं। सर आपसे वही सवाल मैंने कुछ दिन पहले भी किया था और आज फिर चूंकि सूरत हाल वही है, मसला हल नहीं हुआ है, हालात बदले नहीं हैं, तस्वीर बिल्कुल ज्यों की त्यों है, हूबहू है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अदालतों को क्यों बोलना पड़ रहा है? जब बाकी जो पिलर हैं डेमोक्रेसी के, जी, जो सिस्टम को लेके चलाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जब वो फेल हो जाएंगे तो अदालतों को बोलना पड़ेगा। जी, हम रूल ऑफ लॉ से गवर्न्ड होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम से गवर्न्ड होते हैं। जब सरकारें फेल हो गई हैं, सरकार फेल है, इसमें कोई हम मायने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात सच्ची बात है जी, इसको मानना पड़ेगा। चाहे बीजेपी के जो अभी बैठे हुए बोल रहे थे, ये कुछ और बोले, या आम आदमी पार्टी के कुछ और बोले, या कांग्रेस के कुछ और बोले, सरकारें फेल हो चुकी हैं अपनी ड्यूटी करने में। अब उनको गाइड करने के लिए जो तमाम हाई कोर्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं, आप देखिए कितना बुरा लगा होगा किसी को जब हाई कोर्ट के डिफरेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ आदेश दिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश जब दिए, तो उन आदेशों को चैलेंज करने चले गए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम किसी भी तौर पे दखलंदाजी नहीं करेंगे। सरकारें फेल हो चुकी हैं, आप देखिए ना, 17, 18, 20, 22 दिन हो चुके हैं, ऑक्सीजन नहीं जो मुहैया करवा पाया, जो सरकार, वो किस काम की सरकार, और इनका काम क्या है? टैक्स कलेक्ट करके अपनी मौज मस्ती करने के लिए, अपनी जिम्मेवारी से ये लोग फेल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी। ये दखलंदाजी नहीं, वो क्या कहें, वो चुपचाप बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा हम मूक दर्शक बन के नहीं बैठ सकते, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, भाई कुछ जी, करो जी। आप देख लीजिए कितने दिन हो गए, रोज रोज ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और रोज दूसरी तरफ आप ये भी हमें दिखाते हैं कि आज ऑक्सीजन की वजह से ये 60 लोग मर गए, ये 70 लोग मर गए, ये 50 लोग मर गए, हॉस्पिटल में 40-40 लोग मर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? सरकारें फेल हैं, इसलिए कोर्टों को इंटरफेरेंस करनी पड़ रही है। ये बात नियत है जी, ये बात सच्चाई है, इस वजह से कर रही है कोर्ट जी। ठीक है, ठीक है, हमारे संजय सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, कि आपने एक ऐसा इशू उठाया कि 25 तारीख से तमाम जो एड, मेडिकल एड आई हुई है वो एयरपोर्ट पर पड़ी हुई है। कितनी अच्छी बात कि कितनी अच्छी सक्षम सरकार है जिसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं हमारे ये वक्ता दोनों, कि ये पिछले 8 दिन में देख रहे थे कि कौन सी जगह की पॉपुलेशन कितनी है, उसको कैसे हम लोग बांटे हैं। 15 दिन आज हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं ये सामान को, ये नहीं मियाद को, कि ये ऑक्सीजन के सिलेंडर जो 10 दिन से यहाँ सड़ रहे हैं वो कैसे गरीबों को, जिनकी जाने निकल रही है रोज, उनको दिए जाएं। ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, शर्म आती है आप लोगों के ऊपर, और जिस तरीके से आप बोलते हैं उस पे और ज्यादा शर्म आती है। दूसरी बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि दूसरी जो बहुत अहम बात है जी, वो जी, ये है कि आप ये देखिए कि जो तमाम जो इनको करना चाहिए उस चीज से ये लोग दूर हैं, जो इनकी प्लानिंग होनी चाहिए, जो इनको ये देखना चाहिए कि कैसे इन मियाद को लोगों तक पहुंचाया जाए, वो सब बाहर है, उसका कोई काम ही नहीं है, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। और बातें यहाँ बनाने के लिए आ गए कि कितना वैक्सीनेशन, इनको मालूम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि वैक्सीन की प्लानिंग करिए, कोई 150 रुपए में खरीदेगा, कोई 600 रुपए में खरीदेगा, कोई प्लानिंग ही नहीं है, प्लानिंग के लिए जीरो है ये सरकारें, जीरो, मैं ब्लंटली बोल रहा हूं। और यही कारण है, आप देखिए 10-10 दिन तक मेडिकल एड पड़ी रहे, ये क्या जीरो नहीं है? आपके घर में दवा है लेकिन आपके मरीज मर रहे हैं क्योंकि आप दवा उन तक पहुंचा नहीं पा रहे। तारीफे कर रहे हैं ऐसी सरकारों की, अरे ऐसे लोगों को तो सही में जेल में भेज देना चाहिए जो 15 दिन तक जिसकी वजह से वहां पे सामान पड़ा रहा है, ठीक है, सही में जेल भेजना चाहिए, ऐसे नेता को जेल जाना चाहिए। ठीक है सर, ठीक। संजय सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था बस भाई,
आप जितने भी सवाल पूछ लीजिए इनके जवाब बहुत अच्छे होंगे। ये पॉलिटिशियंस हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आज इनको दुख हो रहा है 9 मौतों का, हमें भी दुख है उन 9 मौतों का, लेकिन क्या हुआ वो जो 2.5-3 लाख लोग मर गए हैं और जो हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं उनका इनको कोई 3.5 हजार से ज्यादा। बड़ा अफसोस होता है बड़े भाई, बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मुल्क पे हम लोग चुनते हैं, यही कह सकते। ठीक है संजय सर आपसे ही सवाल है कि जब अदालतें सख्त होंगी और जब बार बार अदालतों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हम मरते हुए नहीं देख सकते और ये नेशनल इमरजेंसी जैसा माहौल है और ये हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते, हम तमाशबीन बने नहीं रह सकते, तो अब अदालत कर क्या सकती है? देखिए दो तीन चीजें हैं अब्बास भाई। पहली बात तो अदालत ने अपनी ड्यूटी निभाई है और पूछा है 5-4 चीजें, दवाइयों का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जो वायरल स्प्रेड हो रहा है उसके लिए जो एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है उसको आप निभाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग है, कृपया हमें ये तो बता दीजिए। ये हमारा अख्तियार है, ये हमारा हक है, हमारे लोगों को ये जानने का पूरा अख्तियार है कि आप बताइए कि क्या आपका प्लान है। चलिए आज तक जो हो गया उसको छोड़िए, आगे का प्लान बताइए। और यही बात कहते हुए उनको 24 घंटे का टाइम दिया गया, 20 घंटे का टाइम दिया गया, क्यों नहीं आप लॉकडाउन करते? पहले जब पोजीशंस इतनी खराब नहीं थी तो आपने लॉकडाउन कर दिया, क्यों नहीं मास पूरे मुल्क में लॉकडाउन आप करते? ये सारे सवाल पूछे हैं। अब देखिए क्या होता है, एक जो बात आपने पूछी, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था, दो दिन पहले की बात है, बड़ी ऑबिटर दिक्ता के तौर पे कहा था कि अगर ये हमारी बात, हम ऑर्डर पास कर देंगे और ये नहीं मानेंगे तो हम क्या कर लेंगे। कोर्ट भी असहाय हो गई थी, लेकिन किसी भी तौर पे हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनका, मेरे को ये कहने हुए शब्द निकाल के कह रहा हूं, दिल नहीं पिघल रहा है। इतनी मौतें हो रही हैं और आप देखिए 10-10 दिन तक सामान पड़ा हुआ है और कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है खुले तौर पे। अरे दिखाइए ना, अगर है तो बता दीजिए भाई, हम कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, करके दिखा दीजिए, इसको अब रोक दीजिए। तीसरी वेव की भी बात हो रही है, आप ये कह रहे थे, दोनों वक्ताओं ने एक बात कही अब्बास भाई कि ये पता नहीं था, ये तो भूकंप आ गया, जलजला आ गया। नहीं, दिसंबर में बता दिया गया था, इन्हीं की गवर्नमेंट की बॉडी ने, जिसने आज तीसरी वेव के बारे में कहा है, इसी ने दिसंबर में कह दिया था भाई तैयार रहिए। वो जो हॉस्पिटल हमारे बताया इन्होंने, डिसमेंटल कर दिए जो हॉस्पिटल्स, अरे क्यों किए भाई डिसमेंटल आपने वो हॉस्पिटल्स, जब ये आपको मालूम था कि ये कयामत आने वाली है तो उसकी तैयारी आप नहीं कर सकते थे? आपको चुनाव लड़ने थे, आपको इसी और चीजें करनी थी। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता क्योंकि दिल दुखी है, परेशान है, हम सब लोग बहुत परेशान हैं। क्यों तो नहीं सरकार कुछ कर रही, हम ये हाथ जोड़ के मैं विनती आपकी आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, कुछ कर दो सरकारों, कुछ कर दो प्लीज। नहीं मिल पाई। संजय सर आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये करूंगा कि आज अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है, 20 घंटे का वक्त देते हुए कहा है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आपका प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, ये बताएं। अगर सरकार की तरफ से नहीं बताया गया या नहीं बता पाई या कोई प्लान नहीं पेश कर पाई तो उसके बाद फिर अदालत का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए पहली बात अब्बास भाई, ये बात बिल्कुल नहीं होगी कि वो नहीं बता पाए, क्योंकि ये कंपलसरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक सवाल पूछा है और उनको समय दिया है कि इतने दिन में नहीं, अगर अगर सर अगर इत्मीनान बख्श जवाब अदालत को नहीं लग पाया, अगर उस सरकार की तरफ से बताया गया और उस पर अदालत जो है वो मुतमईन नहीं हुई तो फिर उसका मुतमईन नहीं है अगर, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे अख्तियारात हैं कि वो जो मरकजी सरकार है उसको कह सकती है कि आपने ये करना है, इसको आप ऐसे करिए, आप ये नहीं, ये जो आपने प्लान दिया ये हमें उचित नहीं लग रहा है, आप इसमें ये तरमीम कीजिए और इस तरीके से ये चीजें ऐड करिए और फिर जाके आप जो जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाई है, वैक्सीनेशन की पॉलिसी है या जो भी चीजों में, वो तरमीम पूरी तौर पे मुकम्मल तौर पे बता सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की बात कही हुई है उसको मरकजी सरकार और राज्य सरकारें दोनों बाध्य हैं मानने के। बिल्कुल ठीक है सर, तो आज चूंकि वक्त खत्म हुआ हमारा, बहुत बहुत